सारे जो शेर हैं वो पंजाबी में हैं, आपकी फरमाइश पे सुना रहा हूँ। अभी ये अल्लाह का कर्म होगा, सरकार बाबा मुराद शाह का कर्म होगा कि आपके समझ आएगा। मनकोत है हजरत पीर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह सरकार का मनकोत है। इंटरनेट पे ये काफी मकबूल है और तभी आप लोगों की फरमाइश आई है और पेश कर रहा हूँ, वरना मैं सारे कलाम एक एक करके जो है उर्दू के आप लोगों के लिए खास लेके आया हूँ। मगर आप मोहब्बत करते हो कि जो आपके पंजाबी के कलाम हिट हैं वही सुनने हैं, तो वही सुना रहा हूँ। लोकी हशर दिहाड़ तो खौफ खाते, लोकी हशर दिहाड़ तो खौफ खाते, साडे वास्ते उस दिन ईद होनी। लोकी हशर हाजर दार गरब दी विच होना, नाले सोने मोहम्मद दी उथे दीद होनी, रहमत लब दी फिरेगी हशर दे दिन। बाबा फरीद दी जेड़ी मुरीद होनी, असगर देख ली हशर मैदान अंदर, हर पास फरीद फरीद होनी। और ये मेरी अर्ज है, मेरी दुआ है सरकार के आगे, क्या ओ मेरा लिख ले गुलाम विच ना, मेरा लिख ले गुलाम विच ना, मेरा लिख ले गुलाम विच ना। Oh,
तेरी भक्ति हम तेरा लिखला भोला बचना दीवाने कौन कौन है? एक बात पूछनी है मैंने। मेरी सरकार के आशिकों की लाइन बड़ी लंबी है और आखिर में मेरी बारी है। एक बार फिर, क्योंकि एक मुराद शाह बाबा पंजाब में है, नकोदर में, जहां पे जनाब गुरदास मान साहब खिदमत करते हैं और खाक साहब को वहीं से सब कुछ मिला है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि गुजरात में मैं पहली मर्तबा आया हूं। गुजरात में पहली मर्तबा आया हूं। सलीम भाई और जाफर भाई मियां साहब, इनकी बदौलत, मैं इनकी बदौलत भी नहीं कहूंगा, सरकार मुराद शाह की बदौलत आया हूं। सरकार मुराद शाह का हुक्म, गुजरात में पहली मरतबा आया हूं और वो भी मुराद शाह बाबा के दरबार में आया हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है।
एक बार फिर से बता दीजिए कि मुरादशाह सरकार के दीवाने कौन कौन से हैं। मेरी सरकार तेरे आशकों की लाइन बड़ी लंबी है और अखीर विच साडी वारी है। हमारी जो टर्न है वो आखिर में है। अल्लाह का कर्म है तो सही, बहुत लोगों की तो होती नहीं। इस्लाम में सभी लोग जानते हैं कि पैगंबर हुए हैं बड़े खूबसूरत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने इतना हुसन दिया, इतना हुसन दिया कि अगर हिस्से कर लिए जाएं हुसन के 10, अगर खूबसूरती के 10 हिस्से कर लिए जाएं तो अल्लाह पाक ने एक हिस्से से पूरी कायनात बनाई और 9 हिस्से यूसुफ को दिए। मिस्र के बाजार में बोलनी लगी हजरत यूसुफ की, जरा तवज्जो, मिस्र के बाजार में बोलनी लगी हजरत यूसुफ की और बोलनी बढ़ती चली जा रही है। हीरे जवाहरात मोती सोना जमीने पैसा सब हजरत यूसुफ के कदमों में, ओ भैया सब हजरत यूसुफ के कदमों में, मगर वो किसी के हाथ नहीं आ रहे। बोली बढ़ती चली जा रही है। और उसी लाइन में, उसी कतार में हजरत बीबी जुलेखा खड़ी है उसी कतार में। तो किसी ने पूछा, बीबी तू ये हाथ में एक धागा लेकर आई है, तू क्या सोचती है इस धागे से यूसुफ को खरीद लेगी? पागल, यहां पे ना जाने कितना पैसा, कितने हीरे जवाहरात मोती सोना सब यूसुफ के कदमों में रुल गया, खत्म हो गया, मगर वो किसी के हाथ नहीं आए। तू क्या सोचती है कि धागे से खरीद लेगी? बीबी जुलेखा रोती है, आंखों में आंसू है, जुबान थरथराती है और थरथराती जुबान से कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरी औकात नहीं यूसुफ को खरीदने की, मगर मुझे इतनी खुशी काफी है कि खरीदारों में मेरा नाम तो है। तो यहां खरीदने की बात नहीं, यहां तो इतने काफी है कि खरीदारों में नाम तो है, दीवानों में नाम तो है। बिन मांगे मुझ फकीर का कशकोल भर दिया, खैरात लेने आया था सुल्तान कर दिया। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, मुराद शाह बाबा ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। दीवाने जो भी मंग देने, जो भी मांगना चाहते हैं दीवाने जो भी मंग देने, मेरी सरकार देने ने। जिन लोगों को इस बात पे यकीन है कि दीवाने जो मांगते हैं वो मेरी सरकार देते हैं, वो हाथ ऊपर करेंगे और दूसरा नहीं करेगा। जिनको इस बात पे यकीन है कि जो मांग रहे हैं मेरी सरकार दे रहे हैं, देने वाला खुदा है मगर जरिया मेरी सरकार है। अल्लाह, देता सबको खुदा है मगर जरिया वलियों का। दीवाने जो भी मंगते ने मेरी सरकार देंदे ले, करम करदे ने जिस वेले 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 ए मुसलमानदार देंदे ने जो भी मंगते मेरी सरकार देंदे ले, दीवाने जो भी मंगते मेरी सरकार देंदे ले, करम करदे ने जिस वेले करम करदे ने जिस वेले करम करदे ने I'm gonna go get some more.
बेवफा दुनिया 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 काम नहीं आती वहां मेरा मुर्शिद काम आता है ना सलीम भाई, जहां दुनिया काम नहीं आती वहां मेरा मुर्शिद मेरी सरकार काम आती है। जब ये बेवफा दुनिया मुझे आंखें दिखाती है,
अली हैदर दे बच्चियां दी मैं लज पाली तो सदके जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरी सरकार के बच्चों की लज पाली कैसी है, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी लज पाली की, ऐसी लज पाली की मैं कुर्बान जाऊं। एक बात यार, पैसों का ना, पैसों का ऐसे शोर मत कीजिए, मुझे बात करने दीजिए बस। ज्यादा पीछे हो जाइए उस तरफ से, मिले आराम से। और अली सरकार के बच्चों की लजपाली कैसी है, बैठे 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 बच्चे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो मजार होती है, मजार तो वहां पे आजकल कमेटियां बनी हुई है, आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेटी कहते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट या कमेटी कुछ भी, हमारे वहां कमेटी कहते हैं या ट्रस्ट भी कह देते हैं। उसमें एक सरप्रस्त होता है, एक सदर होता है, एक कैशियर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, ऐसे होता है ना, कुछ कुछ मेंबरान होते हैं, अल्लाह माफी दे। ये जो दरबार है, ये जो दरबार है ना, यहां पे कोई अहदेदारी काम नहीं करती, मैं बहुत सख्त बात कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, यहां पे कोई भी अहदेदारी काम नहीं करती। उसकी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का घर है और आपकी घर, आपके घर में हजरत बीबी फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो मौला हुसैन पाक के जूठे बर्तन मांज रही हैं। जरा तवज्जो, अली हैदर के बच्चों की मैं लज पाली पे सदके, मौला सरकार के जूठे बर्तन मांज रही है, साफ कर रही है, मतलब जूठे बर्तन साफ कर रहे, तो बाहर से एक आवाज आती है, दरवाजा बजता है और अंदर से बीबी फिजा कहती है कौन, और बाहर से आवाज आती है कि मैं जिब्रील। बीबी फिजा कहती है क्या काम है, मैं मौला अली सरकार के लिए एक पैगाम लेकर आया, मैं मौला सरकार के लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। और बीबी फिजा की आवाज आती है अभी ठहर जा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं हुसैन के जूठे बर्तन मांग रही हूं, मैं मौला हुसैन के जूठे बर्तन साफ कर रही हूं। 10-15 मिनट के बाद फिर आवाज आती है, फिर आवाज आती है, फिर दरवाजा खटकता है, बीबी अंदर से आवाज देती है कौन, बाहर से आवाज आती है बीबी मैं हुसैन का दर्जी हूं, हुसैन के कपड़े सिलने वाला दर्जी हूं। तो बीबी फिजा जल्दी जल्दी से अपने वो हाथ, बर्तन साफ करने वाले हाथ अपने कपड़ों से साफ करती हुई दौड़ी हुई जाती है, दरवाजा खुलता है, जैसे कपड़े पकड़ती है वापस मुड़ने लगती है तो अचानक ख्याल आता है कि ये तो जिब्रील है, ये तो जिब्रील है, वापस पलटती है, बोली तू जिब्रील है, कि हां बीबी मैं जिब्रील हूं, जब तू पहले आया था थोड़ी देर पहले तो तेरी आवाज बड़ी गूंज रही थी, तेरी आवाज बड़ी गूंज रही थी, मगर जब दूसरी बार आया तो तेरी आवाज कहां चली गई थी। आप सुन रहे हैं जी, आप एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए, आप सुन रहे हैं, बस बिस्मिल्लाह, जब तू दूसरी बार आया तो तेरी आवाज में वो जान नहीं थी, बड़े आराम से बोल रहा था। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं बीबी फिजा तेरे पहले इनकार ने, तेरे पहले जवाब ने मुझे ऐसा बना दिया। बीबी फिजा कहती वो क्यों, जब तूने मुझे कहा कि मैं हसनैन के जूठे बर्तन साफ कर रही हूं तो मेरे जहन में आ गया जिब्रील ये पंचतन पाक का घर है, ये हजरत फातिमतुल जहरा का घर है, ये जन्नत की मालिक का घर है, ये शेरे खुदा का घर है, ये करबला वालों का घर है, यहां औहदेदारी नहीं चलती, यहां ताबेदारी चलती है।
जिम्मेदारी। और ये भी तो मौला अली सरकार के शेर है, तो यहाँ पे भी सिर्फ खिदमतदारी खिदमतदारी। कैसे अली है दर्द बच्चियां दी मैं लजपाली तो सदके जा, अली है दर्द बच्चियां दी मैं लजपाली तो सदके जा, अली है दर्द आशा बाबा की ये बात है। वो दिल्ली में सर्विस करते थे, जब वो फकीरी में नहीं थे ना, तो वो सर्विस करते थे दिल्ली में, सरकारी जॉब थी उनकी। ये 1947 से पहले की बातें हैं बुजुर्गों की। तो वहां पे उनको इश्क हुआ
इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी निकला और इश्क हकीकी से मार्फत निकली, वो तसव्वुर में खुदा के साथ एक हो गए। किसी ने पूछा, वो मस्त रहने लगे, किसी ने पूछा, हजरत मिलना अच्छा होता है या बिछड़ना अच्छा होता है? आप समझते हैं मिलना बिछड़ना, मिलना जुदा होना? सरकार तवज्जो। उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा, हजरत मिलना अच्छा है या जुदा होना अच्छा है? तो हजरत बाबा मुराशा कहने लगे कि जुदा होना अच्छा है। वो बोले, सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, लोग तो मिलने के लिए तरसते हैं, मिलने के लिए दुआएं मांगते हैं, मिलने के लिए मन्नतें मांगते हैं, और आप कहते हैं कि जुदा होना अच्छा है। जुदा होने का क्या मजा है, क्या मिलता है, क्या मतलब है? तो हजरत बाबा मुराशा फरमाते हैं, जरा तवज्जो, कि जब तक जुदाई नहीं होती, जब तक जुदाई नहीं होती तब तक आंखों से आंसू नहीं आते, जब तक जुदाई नहीं होती तब तक रोना नहीं आता, जब तक रोना नहीं आता तब तक आंखों से आंसू नहीं आते, जब तक आंखों से आंसू नहीं आते तब तक आंखें पाक नहीं होती, और जब तक आंखें पाक नहीं होती तब तक यार का दीदार नहीं होता। यूं बेवजह मेरी आंख से आंसू नहीं आते, नजरों को धो रहा हूं दीदार के लिए, तेरी दीद की तलब में ये बहा चुकी है आंसू, तू नकाब रुख उठा दे मेरी आंख बावजू है, ना जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई, इन आंखों के आंसू ना कहलाते मोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना हो। अगर मोहब्बत से ताली बजानी है तो जरा खुल के बजा दीजिए एक बार। फरमाइश जैसे आपकी है उसी के मुताबिक चलूंगा। आप पंजाबी सुनना चाहते हो तो पंजाबी, मुराशा तेरे नचते मलंग देख ला, मुराशा फिर नचते मलंग देख ला। और मैं एक मनकबत जो है हुसैन पाक सरकार की भी कहना चाहता हूं, वो जैसे आपकी इजाजत होगी उसी हिसाब से आपको मैं सुनाऊंगा। ये किस्मत साउंड जामनगर, जिसकी बदौलत, जिनके जन्म से हमारी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। जी गरीब नवाज की शान में लीजिए। हले 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 तरना मेरे ख्वाजा जी, ख्वाजा पिया के दरबार में होली बहुत मशहूर है, ख्वाजा जी की होली बहुत मशहूर है। तो मैंने भी एक होली रिकॉर्ड की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, बड़ी मकबूल हुई। होली हो रही है, हाँ, ख्वाजा के होली हो रही
गुलाब के फूल हैं तो होली के लिए वो ला सकते हैं, क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह ऐसा रिवाज है जब भी मेरा यह कलाम होता है तो गुलाब के फूलों की होली होती है, आप भी ला सकते हैं। हजरत अली का रंग बना है, हसन हुसैन खिला होली हो रही है। मची है चौं और पड़ी है पुकार, ऐसो अनोखो चतुर खिलाड़ी रंग दी हो संसार होली हो रही है। जितने ख्वाजा के दीवाने हैं वो आज इधर उधर कहीं नहीं फिरेंगे, आज वो मेरे ख्वाजा के दरबार आएंगे और सभी एक ही रंग में रंग जाएंगे। वो कैसे? ख्वाजा पिया के दरबार आओ खेलो होली, ख्वाजा पिया के दरबार आओ खेलो होली, मेरे ख्वाजा पिया के दरबार आओ खेलो होली, ख्वाजा पिया के दरबार आओ खेलो होली, ख्वाजा पिया के दरबार आओ। Yeah.
शाह तेरे नचते मलंग देख लै, तो आप पंजाबी सुनोगे, मुराद शाह तेरे नचते मलंग देख लै। मंदियां भी जानो चंगियां ने, एक पाक किया दी नित सेज मानन, एक मर्दा बिना सिरों नगिया, एक संगियां ते संग नार ना मूल रलियां रलियां, सो जो मूल ना संगियां ने, बेदन नजर कर दे मुराद शाह जदों कर्म वाली मुंह मिलन मुरादा। पीरों का पीर कहा है चोरों को कुतुब बनाए, पीरों का पीर कहा है चोरों को कुतुब बनाए, आशकों के मांगने का ढंग देख ले, मुराद शाह पे नचने मुराद
तू
ਦਾ ਦਰਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਲ ਦਰਬਾਰ सरदार तेरे बिना बचदा नहीं मतलब मैं तेरे बिना बच नहीं सकता रह नहीं सकता जी नहीं सकता मेरी तरफ से एक बार जरा बोल दीजिए मेरे साथ सरदार तेरे बिना बचदा नहीं सरदार तेरे बिना बचदा नहीं रोंदा है जरा भी हंसदा नहीं रोंदा है जरा भी हंसदा नहीं Let's go.
अज रोंदे नूं हसा लै साहिबा तेरे टुकड़े ते बलिदार मां तेरे टुकड़े ते बलिदार मां हो शुक्रगुजार हूं आपका कि आप पंजाब वालों को पंजाबी में सुन रहे हो कमाल। पहली बार मैंने आउट ऑफ स्टेट बहुत काम किया है, अल्लाह कर मैं गुजरात में पहली बार आया हूँ, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्रा में, मुंबई में काफ़ी काम किया है, मगर जितना पंजाबी आप लोगों ने सुना है मुझे तो लगता है कि मैं पंजाब में नकोदर में बिलोंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं नकोदर में बिलोंग कर रहा हूँ। 1 मई का उर्स है, 1 मई का मुराद शाह बाबा के दरबार में उर्स है, रात की महफिल है, गुरदास मान साहब वहाँ पे नवाजते हैं सबको। जो जो भी आना चाहता है वो मेरे से फ़ोन पे बात करे, वो मेरे पास रहेगा, जो भी यहाँ से आना चाहेगा। सलीम भाई आप तो आए हो, आपके साथ जो भी आएगा वो हमारा मेहमान होगा, आप ज़रूर उर्स पे तशरीफ लाइए। मैं यार दा दीवाना मेरा यार ही खुदा है, ओ मैं यार दा दीवाना मेरा यार ही खुदा है। तू माने यार असा ते तेनू रब मनिया, तू मनिया ना मन दिलदार, असा ते तेनू रब मनिया। दसो होर सानू दस होर केड़ा रब दा द्वारा असाने तेन रब मनिया। मैं यार दी दीवानी दीवानी मेरा यार ही खुदा
नानो अकरब कहना है कि मैं तुम्हारी शारत से भी नजदीक हूं, मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों से भी नजदीक हूं। कहीं पे तो कहता है नानो अकरब और कहीं पे कहता है कि मैं अरशों पे रहता हूं। अब तू बता सच क्या है, कितना नो अकरब कहलाए सुल्तान बाहू लिखते हैं अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मगदा रे विच लाई हूं नफीस बात दा पानी देके हर रगे हर जाई हूं
उसके बाद मेरे साथी कलाकार वो पेश करेंगे अपने कलाम, फिर जैसे मुझे हुक्म होगा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा।